अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि मैं फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी की अपडेट्स देता रहता हूं और इधर आके वीडियोस बनाता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं, तो मैं आज भी जो है फ्रूट मंडी में आया हूं और देखता हूं कि क्या सूरत हाल है फ्रूट मंडी की और फ्रूट्स कितने रेट्स में मिल रहे हैं। तो मंडी कुछ कम हुई है नहीं हुई है, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। जो है आलू भी मौजूद हैं फ्रूट मंडी में और पूरे पूरे इसके बॉक्स इधर मौजूद हैं। और ये भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अख्तर मोहम्मद। अख्तर भाई हैं इधर फ्रूट मंडी में, इनके पास जो है ये सारे आलू वगैरह रखे हुए हैं। अख्तर भाई कितने के दे रहे हैं आलू? ये 500 रुपये का, ये 400 रुपये का, ये मोटा है ये छोटा है। अच्छा, ये भाई 500 रुपये की ये वाली है और ये 400 रुपये की है, और दोनों में फ़र्क ये है कि ये थोड़ा बड़ा है आलू और ये छोटा आलू है। तो ये फाइनल रेट है या कम हो जाएंगे? 4.5 के लगेगा, ये 380 के लगेगा। सही है भाई, फाइनल रेट इसके 450 हो जाएंगे और इसके 380 रुपये हो जाएंगे। इसके अलावा इनके पास खुबानी भी मौजूद है। खुबानी किस रेट पे? 500 रुपये भाई। ये देखें भाई खड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अशरफ भाई। अशरफ भाई इधर मौजूद हैं और इनके पास खुबानियाँ इधर रखी हुई हैं, तो इनसे पूछते हैं रेट। अशरफ भाई रेट बताएं। बस ये आखिरी इसका रेट है 450 तक लगेगा भाई। 450 रुपये का इसका रेट है खुबानी का। और वज़न में कितना है? वज़न भाई 10 का भाई, 10 किलो वज़न में है। चेरी आ गई है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में चेरी मौजूद है और ये छोटे छोटे बॉक्स में चेरियाँ इधर मौजूद हैं। तो भाई से पूछते हैं अभी क्या रेट चल रहे हैं चेरी के। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? इस्माइल भाई बैठे हैं इधर फ्रूट मंडी में और इनके पास ये चेरी के सारे बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं। इस्माइल भाई कितने का ये दे रहे हैं बॉक्स? अच्छा, ये 160 से तकरीबन जो है ना इसके रेट शुरू हैं और 200 तक, 160 से लेके 200 तक इसके रेट हैं। और कितना इसका वज़न है? आधा किलो का ये बॉक्स है और 160 रुपये से लेके 200 तक में आपको मिल जाएगा क्वालिटी वाइज। तो ये चेरी जो है इधर मिल रही है। आगे आपको और भी फ्रूट्स के रेट्स बताते हैं। गोल्डन ईरानी सेब मौजूद है, कितना इसमें है पेटी में? 10 किलो से कम नहीं, 1100। हाँ, 10 किलो से तकरीबन जो है ना 10 किलो तक की पेटी है और ये 1100 रुपये की दे रहे हैं। और ये गोल्डन ईरानी सेब है, बिल्कुल रेड कलर के सेब है, ये क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, बेहतरीन है। जो है आम काफ़ी तादाद में मौजूद है और ये पेटियों में पैक हुआ हुआ है, तो अभी थोड़ा कच्चा आम है सारा, ये पेटियों में जो है अभी मौजूद है। तो अभी ये देख सकते हैं ये ट्रक से उतर रहा है माल सारा। ये फ्रूट मंडी की सूरत हाल है अभी। आप अगर फ्रूट मंडी आएँ तो सुबह 6 बजे आएँ ताकि आपको फ्रेश माल मिले। सिंदरी आम इधर मौजूद है और बिल्कुल तैयार आम है ये, और साथ ही सरोली भी है। तो कितने के हैं ये भाई? 900 रुपये का ये पेटी है और ये भी 900 रुपये की है। और इसमें कितना वज़न हो रहा है? 10 किलो तक तकरीबन वज़न होता है, तो ये भी जो है 10 किलो की पेटी है। और आगे और हैं इसके अलावा आम? ये अभी दो ही हैं, अभी दो हैं सिर्फ, अभी दो आम आए हुए हैं। ये तकरीबन 8 से 10 किलो का दाना है, 120 रुपये का मिल रहा है। तो रमज़ानों में भी काफ़ी माल आया हुआ था और अभी भी काफ़ी माल है, और ये देख सकते हैं 120 रुपये का एक दाना है, 8 से 10 किलो इसका वज़न है। ये फ्रूट मंडी में जो है तरबूज के रेट्स हैं। यहाँ केले भी आपको केलों के रेट्स बताते हैं। तो ये भाई बता रहे हैं कि रमज़ानों से ज़्यादा महंगे केले चल रहे हैं, 160-150 के हिसाब से जो है ना। तो अभी भी ये जो है मंडी में भी केला भी सस्ता नहीं है, तो इसी वजह से जो है मार्केटों में भी केला महंगा मिल रहा है। तो ये तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद केले कुछ सस्ता हो जाएगा, तो फिर मार्केटों में भी सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक केला जो है 160-150 रुपये मंडी में मिल रहा है। आम और मौजूद हैं, और ये सिंदरी आम है और ये 950 रुपये की पेटी है। और दूसरा वाला जो ये सरोली है, ये साइज़ में छोटा है और ये सिंदरी साइज़ में बड़ा है, तो दोनों 950 की हैं। वो 850, ये 850-950 की, सही है भाई। तो ये जो सरोली आम है ये 850 की पेटी है, तकरीबन 10 किलो इसमें आम होते हैं। और ये सिंदरी जो है ये 950 रुपये की पेटी है। इसमें गरमा रखा हुआ है, ये बड़े साइज़ में है और वो रखा हुआ है छोटे साइज़ में। तो ये मन के हिसाब से भाई दे रहे हैं, पीस के हिसाब से नहीं है। ये तकरीबन 2000 बता रहे हैं, लेकिन कम हो जाते हैं, 2000 रुपये मन के हिसाब से, और वो 1500 रुपये मन के हिसाब से मिल जाएगा, और कुछ कम हो जाते हैं पैसे भाई से आप बात करें। आलू बुखारा भी रखा हुआ है फ्रूट मंडी में, और 450 रुपये का जो है ये पूरा बॉक्स है। और इसमें वज़न बताइएगा भाई? 2 किलो माल है ये और 450 रुपये का ये बॉक्स है। ये एक दे देते हैं या ज़्यादा बॉक्स लेने पड़ते हैं? एक बॉक्स देते हैं या ज़्यादा?
सही है भाई। आयलुद्दीन साहब इधर मौजूद हैं और वो के बता रहे हैं कि एक बॉक्स भी दे देते हैं और चाहे 10 लो एक लो, 450 रुपये का जो ये बॉक्स है आलू बुखारे का और 2 से 2.5 किलो इसका वेट है। और कुर्बानी भी इधर रखी हुई है। और तो भाई कितने की है कुर्बानी? 800। भाई 800 रुपये का पूरा जो है ये बॉक्स है। और इसमें कितना होता है? 8 किलो तकरीबन इसका वज़न है और 800 रुपये का ये दे देंगे। 8 किलो होता है, इसमें 2 किलो होता है। अच्छा, इसी के साथ छोटे बॉक्स भी हैं 2 किलो वाले कुर्बानी के। और ये वाला ये कितने के इसके रेट? 450। अच्छा भाई 450 का है लेकिन 400 रुपये फाइनल हो जाएंगे इसके। वो 800 रुपये का है और ये 400 रुपये का है। फ्रूट मंडी में ये सेब देख सकते हैं, काफ़ी सारे जो है पेटियाँ रखी हुई हैं सेब की। और ये कुल्लू सेब है, सही है? कुल्लू सेब है ना, कुल्लू है ना। अच्छा चलो भाई बात करते हैं खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है आपका? भाई सेठ जैन अदील साहब हैं और इनके पास ये सारे जो हैं सेब वगैरह रखे हुए हैं। तो जैन साहब ये बताएं कितने के रेट्स हैं और ये पेटी में कितने किलो हैं? 500-600। अच्छा, और कितना वज़न होता है इनका? 15-16 किलो। ठीक है भाई, 500-600 रुपये की जो है पूरी पेटी मिल जाएगी काटन और 15 किलो इसमें तकरीबन कुल्लू सेब होता है। और जो चीज़ ताज़ा सीज़न का होता है वो अच्छी कीमत भी दिखता है। अच्छा, सीज़न से आज के अच्छी कीमत को भी दिखता है। ये एक पेटी के हिसाब से देते हैं या ज़्यादा लेनी पड़ती हैं? अच्छा, तो भाई ये पेटी के हिसाब से भी दे देते हैं और ज़्यादा क्वान्टिटी में भी दे सकते हैं। और भी इधर आम मिले हैं पेटियों के हिसाब से रखे हुए हैं। और ये जो है सिंदरी आम है, ये 450-500 रुपये की पेटी है। इसमें 10 किलो होता है, 10 किलो की तकरीबन जो है ये पेटी है। ये जायद अशरफ साहब हैं इधर चाय पी रहे हैं, तो अगर आपने लेना हो 450-500 के हिसाब से दे रहे हैं। अगर इनके रेट आपको सही लगते हैं तो इनसे आके आप ले लें। ये बिल्कुल होटल के आगे बैठे हुए हैं इधर फ्रूट मंडी में, चाय का होटल है, उसी के साथ ये बैठे हुए हैं जायद अशरफ साहब और 450 रुपये की पेटी दे रहे हैं। चावल भी मिल रहे हैं, अगर आप लोग फ्रूट मंडी में आएँ और आपको भूख लगे तो आप चावल भी खा सकते हैं। ये कौन से पुलाव है ये? पुलाव है जी। भाई पुलाव है ये, और कितने की प्लेट है ये? प्लेट 50 से है। 50 रुपये की प्लेट है। ये भाई खा रहे हैं पुलाव मंडी में, ज़बरदस्त है फैज भाई, बहुत ज़बरदस्त है भाई बता रहे हैं। 50 रुपये की प्लेट है फ्रूट मंडी में। तो हम तो थक गए वीडियो बना बना के, तो सोचा थोड़ी लस्सी हो जाए। तो फ्रूट मंडी में लस्सी का भी सीन चल रहा है, ये देख सकते हैं लस्सी तैयार की जा रही है फ्रूट मंडी में। ये बिल्कुल चाय के होटल के साथ लस्सी वाले भाई बैठे हैं। क्या नाम है आपका? गुफरान भाई। गुफरान भाई हैं इधर बिल्कुल चाय के होटल के साथ लस्सी वाले। अगर आप मंडी आएँ और आपको प्यास लगे तो आप लस्सी ज़रूर पिए, इन्जॉय करें लस्सी को। बाकी भी फ्रूट मंडी का निज़ाम चल रहा है सारा, लोग आना जाना कर रहे हैं। आम है, ज़्यादातर आम है, सेब है, आड़ू वगैरह चल रहे हैं, तो ये देख सकते हैं भाई। बना दो यार हमें एक भाई। ये लस्सी हमारी तैयार है और साथ ही दही है, ये इन्होंने दही इसमें डाल दिया बेहतरीन करके। कितने का गिलास दे रहे हो? 70 रुपये का। अच्छा भाई 70 रुपये का गिलास है लस्सी का। आम की पेटियां जो है तैयार की जा रही हैं, ये इस तरह जो है आम की पेटियों को तैयार किया जाता है। ये कितने किलो की पेटी है सर? 10 किलो। अच्छा 10 किलो की तकरीबन इसके पेटी है, 10 किलो आम है इस पेटी में। और ये इसको जो है अभी पैक किया जा रहा है। इस तरह ये पेटियां जो है तैयार होकर जाती हैं डिफरेंट मार्केट में और फिर वो उसको रिटेलर जो होते हैं वो फिर उसको सेल करते हैं। तो ये देख सकते हैं इसकी पैकिंग की जा रही है पेटियों की। तो दोस्तों मैं जो है इतनी सारी वीडियोस बनाता हूँ फ्रूट मंडी की और सब्ज़ी मंडी की, तो कभी मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि फ्रूट मंडी में होटल्स वगैरह भी हैं, खाने पीने का भी निज़ाम चल रहा है। तो ये फ्रूट मंडी में आप आएंगे तो राइट साइड पे आपको होटल नज़र आता है ये चाय का, और साथ ही जो है ना यहाँ पर ये खाने पीने का भी आइटम मौजूद है। देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ खाना खा रहे हैं। तो ये इनके पास जो है अभी कीमा भी रखा हुआ है, लोबिया है, भिंडी है, भिंडी के बाद अंडा चना है और पाय है। ये फ्रूट मंडी में इधर मिल जाता है। तो और ये भाई भी हैं और साथ ही लस्सी वाला है और साथ ही जो है सालन रोटी भी मिल जाएगी आपको। आप आएँ मंडी में तो आप खाने पीने से भी एंजॉय करें, खाने पीने को भी एंजॉय। शहजाद भाई इधर मौजूद हैं और इधर ये कारपेट लगा रहे हैं।
तो शहजाद भाई अभी मंडी में कौन कौन सा आम आ गया है बता दें। मंडी में तकरीबन सारे ही आम आ गए, सिंदरी भी आ गई है, लंगड़ा, करोली, ठीक है, ढोल, ठीक है, तकरीबन सारे ही आ गए। अभी चौंसा खाली लेट नहीं आया, बाकी सारे आम। तो चौंसा भी नहीं आया, बाकी सारे आ गए। तो इन पेटियों में कौन कौन सा आम है? ये सिंदरी है, सरोली होती है। अच्छा भाई, सिंदरी और सरोली आम इधर मौजूद है। क्या रेट चल रहे हैं कुछ? ये है तकरीबन 600 रुपए से लेके 800 रुपए तक। अच्छा, 600 से 800 तक की पेटी है। और इसमें कितना वजन होता है? इसमें तकरीबन 8 किलो वजन होता है। 8 किलो वजन होता है? 8 से 10। अच्छा, 8 से 10 किलो। तो ये एक पेटी के हिसाब से देते हैं या ज्यादा? पेटी के हिसाब होता है। पेटी के हिसाब से भाई, पेटी के हिसाब से देते हैं। ये एक पेटी लो या 10 पेटियाँ लो। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे बैठे हुए भाईजान, काफ़ी ज़्यादा जो है आम इधर आ गया है मंडी में। ये भी आम भी तैयार पे है, बाकी और भी आपको जो है ये भी दिखा देते हैं। ये देखें, पेटी खोल के दिखा रहे हैं भाई अंदर आम। इसमें जो है ये सिंधी है या सरोली है? ये सिंधी है, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। सिंध की सिंधी जो है आम है, देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा आम है साइज़ में जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त। तो अभी ये तैयार करेंगे कितने दिन में होगा तैयार? ये कम से कम 4 से 5 दिन में तैयार होगा। अच्छा, 4 से 5 दिन में? 4 से 5 दिन भाई, 4 से 5 दिन में तैयार होगा कारपेट लगा के। तो फाइनली फालसो के रेट्स भी कम हो चुके हैं। जब मैं लास्ट टाइम आया था, इसका सीज़न नया स्टार्ट हुआ था फालसो का, तो 350 रुपये किलो सेल किया जा रहा था। उसके बाद मैंने फिर चक्कर लगाया था तो 120 रुपये किलो फालसा हो चुका था। तो आज जो रेट्स हैं वो 80 रुपये किलो के हिसाब से मंडी में फालसा सेल किया जा रहा है। और ये टोकरियों में फालसे रखे होते हैं, 14 से लेकर 18 किलो तक की टोकरी होती है। अगर टोकरी लेना चाहेंगे तो वो आपको तोल कर 80 रुपये किलो के हिसाब से टोकरी दे देंगे। और लोकल मार्केट्स में 100 रुपये, 110 या 90 रुपये के किलो के हिसाब से भी मिल रहा होगा, क्योंकि 10-20 रुपये तो प्रॉफिट रखते हैं। तो ये फालसों के जो हैं मंडी के रेट्स हैं। थोड़ा सा आपको इस फ्रूट के बारे में भी बता दूं, ये बेलगरी फ्रूट है और ये जोड़ों के दर्द के लिए जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये आपको 30 रुपये से 60 रुपये तक का दाना मिल जाता है मंडी में साइज़ के हिसाब से, और जोड़ों के दर्द वालों के लिए बहुत ही मुफीद है। साथ ही यहाँ पर इमली रखी हुई है, ये 150 रुपये किलो के हिसाब से सेल की जा रही है। तो ये लास्ट फ्रूट बचा है मंडी में, चीकू। तो ये अभी 80 रुपये किलो के हिसाब से सेल किया जा रहा है, जो कि 100-120 से कम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी जो है इसके रेट्स कम हो गए हैं और अभी भी काफ़ी तादाद में ये मंडी में मौजूद है। तो तकरीबन जो है फ्रूट्स की अपडेट आपको दे दी है। आपको थोड़ा सा मंडी के एंट्रेंस का दिखा दूँ, तो ये सारा मंडी का जो है एंट्रेंस का एरिया है। और पार्किंग का निज़ाम यहाँ पर नहीं है प्रॉपर, लेकिन थोड़ी बहुत जगह है जहाँ पर जो है बाइक्स वगैरह पार्क हो जाती हैं और एक दो गाड़ियाँ भी पार्क हुई हुई हैं इस वक्त ना। तो भाई, अगर आप फ्रूट मंडी में एंटर होने के बाद सब्ज़ी मंडी जाना चाहते हैं, तो ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, आप यहाँ से आगे जाएंगे तो आगे सब्ज़ी मंडी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी से ये जो है सब्ज़ी वाले आपको नज़र आ रहे होंगे, आलू प्याज वाले जो है इधर ठेले खड़े हुए हैं। तो ये जो है एंट्रेंस है फ्रूट मंडी का। तो भाई, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें, मज़ीद आपको अपडेट देते रहेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फी अमानिल्लाह।